हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं अरबी के पत्ते की पकौड़ी। सो इसकी वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ। और सबसे पहले हमें जो पत्ते हैं उनको वॉश करके उनकी पीछे की डंठल हमें काट लेनी है। सो गाइस, सबसे पहले हम अदरक मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। आप चाहें तो इस पेस्ट को मिक्सी में भी बना सकते हैं। सो गाइस, आप ये देख सकते हैं मेरा पेस्ट बनके रेडी है। और फिर हमें लेना है बेसन। हमें भीगे हुए चावल का पेस्ट बना लेना है। तो हमें इसकी क्वांटिटी थोड़ी ही लेनी है। और अब हम अपने बेसन में डालेंगे हल्दी। धनिया पाउडर। और लाल मिर्च का पाउडर। सो गाइस, अब हमें इसके अंदर ऐड करना है नमक। और जो हमने पेस्ट बनाया था आपको उसको भी इसके अंदर ऐड कर लेना है। अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। और जो हमने चावल का पेस्ट बनाया था हम वो भी इसके अंदर डाल देंगे। फिर हमें खटाई का पेस्ट डालना है। मैंने खटाई का पेस्ट बनाया है। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप चाहे तो आमचूर पाउडर को भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे मिक्स करने के लिए पानी यूज़ किया है। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा बन चुका था। और अब हम अपने पत्तों पे इसको अच्छे से लगा लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको कैसे लगाया है, आपको वैसे ही लगाना है। मैंने इसको हर जगह फैला लिया है। सो गाइस, इसके ऊपर हमें 4 से 5 या फिर 5 से 6 पत्ते लेकर इसकी एक लेयर बना लेनी है। देखिए हमें लेयर कैसे बनानी है, ये आप खुद देख सकते हैं। और इसको आपको अच्छी तरह से लगाना है कि थोड़ा सा भी छूटे ना। जैसे आपको दिखाया गया है वैसे ही आपको इन सबको फोल्ड कर लेना है साइड से ऊपर, मतलब साइड से ऊपर से नीचे से हर जगह से आपको इसे फोल्ड करना है, कर लेना है। और आपको इसका रोल बना लेना है। ये देखिए मेरा रोल कंप्लीट होने वाला है। मेरा रोल कंप्लीट हो चुका है। तरह हमें और भी रोल को तैयार करना है। यहाँ पर हमारे 3 रोल बनकर रेडी हैं। हम इनको बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई में 1.5 ग्लास लगभग पानी डालेंगे। और इस तरह के बर्तन से हम उसको कवर कर देंगे। और जो हमने रोल्स बनाए थे उसको भी इसके ऊपर रख देंगे, क्योंकि इनको पकने के लिए भाप की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप इसको रख दीजिएगा। इन रोल्स को हमें भाप से पकाना है। तो आप ढक्कन से कवर कर दीजिए। स्लो फ्लेम पर 20 से 25 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे रोल्स बने हैं कि नहीं। गाइस देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे रोल्स बन चुके हैं। अब हम अपने रोल्स को चेक कर लेंगे कि हमारे रोल्स अंदर से अच्छे से बॉईल हुए हैं कि नहीं हुए हैं। गाइस अब देख लीजिए, मेरे रोल्स अच्छे से बॉईल हो चुके थे। रोल्स
को हम 10 से 15 मिनट तक ठंडा करेंगे। फिर हम उनको इस तरह के छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने इन रोल्स को इस तरह से कट कर लिया है। रोल्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर हमने पैन को गरम किया है। फिर उसमें हम मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, इसको हम सरसों का तेल भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें हमें मेथी के दाने डालने हैं। इस तरह से अपने तेल को फैलाकर जो हमने रोल्स बनाए थे, यहाँ पर हमने शैलो फ्राई किया है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एक साइड से सिकने के बाद यहाँ हमें दूसरे साइड भी अच्छे से सेक लेना है। हमारे रोल दोनों तरफ से सिक चुके हैं और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। रेडी टू ईट।